दुनिया भर में कहर का दूसरा नाम बन गया है कोरोना वायरस, वो नाम जो धरती के हर बाशिंदे की जुबान पर है, जिसका खौफ हर इंसान के जहन में बैठ चुका है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया का दृश्य ऐसा बन चुका है कि आने वाली सदियां शायद ही भुला पाएं कोरोना का नाम। नाम भी ऐसा जैसा इसका आकार है, जैसे सूर्यमंडल के आभा मंडल के बाहर आभासी दृश्य होता है, जो दृश्य हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद देख पाते हैं, इसे सूर्य का कोरोना क्षेत्र कहा जाता है। 55 साल पहले लंदन के लैब में जब पहली बार ये वायरस माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसका आकार सूर्य के इसी कोरोना की तरह दिखा, लिहाजा नाम रख दिया गया कोरोना वायरस। तब वैज्ञानिकों के उस दल को अंदाजा भी नहीं था, आधी सदी बाद ये वायरस पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ग्रहण साबित होने वाला है। एक ऐसी महामारी जो आज हम दुनिया के 200 देशों में देख रहे हैं। दुनिया पर इस महामारी का ग्रहण समझने के लिए हमें 55 साल पीछे लौटना होगा। ये देखना होगा कोरोना वायरस कैसे एक संयोग की तरह सामने आया, लेबोरेटरी के आम टेस्ट के दौरान माइक्रोस्कोप में पकड़ा गया। तब इसका लोकेशन आज का चीन नहीं बल्कि 55 साल पहले का लंदन था। साल 1965, सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल, लंदन। 55 साल पहले का वो हॉस्पिटल आज भी मौजूद है। इसी हॉस्पिटल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का इलाज हुआ। जब वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, बोरिस जॉनसन तो कोरोना फ्री होकर अस्पताल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वायरस की वजह से बेहाल होती दुनिया एक बार फिर से वो अतीत खंगाल रही है जो सेंट थॉमस मेडिकल की लेबोरेटरी से जुड़ी है। इस लेबोरेटरी से जुड़े एक नाम को लाखों करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं, आखिर कौन था वो पहला इंसान जिसने विनाशकारी वायरस को पहली बार देखा, उसे पहचाना और उसे नाम दिया कोरोना वायरस। चलिए हम आपको मिलवाते हैं लंदन के उस लैब टेक्नीशियन से। साल 1964, जून अल्मेडा, उम्र 35 साल। कोरोना वायरस की कहानी इसी जून अल्मेडा के साथ शुरू होती है, तब उनकी उम्र 35 साल थी। लंदन के जिस लैब में अल्मेडा ने इस वायरस को पहली बार अपने माइक्रोस्कोप से देखा, वो उन दिनों वायरस रिसर्च का बड़ा सेंटर हुआ करता था। हैजा कालरा से लेकर इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसों का अटैक उन दिनों बहुत हुआ करता था। इन्हीं वायरसों पर रिसर्च के दौरान एक नया वायरस अल्मेडा के आंखों के सामने आया। 55 साल पहले ऐसा दिखा था कोरोना वायरस। जून अल्मेडा ने जब पहली बार इस वायरस को देखा तो आकार देखकर हैरान हो गए। इसकी गोलाकार छवि के बाहर सूर्य के कोरोना की तरह नुकीला विस्तार था, जैसे पानी की कोई बूंद गिरने के बाद पसर गई हो। अल्मेडा को पहली बार में लग गया कि यह वायरस नया है, लेकिन लैब के सीनियर्स ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। आखिर अल्मेडा कोई साइंटिस्ट नहीं थी बल्कि एक लैब टेक्नीशियन थी। 1930 में जन्मी अल्मेडा स्कॉटलैंड के एक बस ड्राइवर की बेटी थी। गरीबी की वजह से 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छोड़ने के बाद ग्लासगो शहर में लैब में काम करने लगी। लैब टेक्नीशियन का काम करते हुए वायरस इमेजिंग में दिलचस्पी बढ़ी। कुछ दिनों की नौकरी के बाद मेडिकल राइटर जॉर्ज विंटर से दोस्ती हुई। जॉर्ज विंटर से शादी के बाद अल्मेडा कनाडा के टोरंटो शहर में बस गए। लंदन से टोरंटो आने के बाद शहर तो बदल गया अल्मेडा का, लेकिन वायरस इमेजिंग में दिलचस्पी कम नहीं हुई। इसमें सहयोग मिला पति जॉर्ज विंटर का, जो खुद भी मेडिकल रिसर्च और लेखन से जुड़े। शादी के कुछ साल बाद अल्मेडा एक बच्ची की मां बनी। इसके बाद वो ओंटारियो के कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ गए। इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने उस दौर के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर काम करना सीखा और कुछ ही दिनों में इसके जरिए वायरस इमेजिंग में महारत हासिल कर ली। जून अल्मेडा उधर टोरंटो में वायरस इमेजिंग के क्षेत्र में मशहूर हो रही थी, इधर लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में एक नई खलबली मची थी। सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस की एक नई प्रजाति मिली थी। नमूना इकट्ठा करने वाले डॉक्टर डेविड चारल ने नाम दिया था B814। ये नमूना एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट के बलगम में मिला था। डॉक्टर डेविड टायरेल को अब जरूरत थी एक नए वायरस की इमेज की। तब तक जून अल्मेडा की वायरस इमेजिंग की सुर्खियां लंदन तक पहुंच चुकी थी, खासकर सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में, जहां वो कई बरस तक काम कर चुकी थी। डॉक्टर टायरेल ने नए वायरस के इमेजिंग के लिए जून अल्मेडा से संपर्क किया। वो लंदन आने को राजी हो गए। सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल के लैब में अल्मेडा ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ उस नए वायरस की स्टडी शुरू की। यही वो पहली तस्वीर थी जो अल्मेडा ने अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींची थी। इस इमेज के साथ अल्मेडा ने बताया था कि ये वायरस चूहों में होने वाली हेपेटाइटिस और मुर्गों में होने वाली ब्रोंकाइटिस के वायरस की तरह दिखता है। बहुत हद तक इसे इंसानों में होने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह कहा जा सकता है, लेकिन अल्मेडा का यह रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया। लैब के डॉक्टर्स ने कहा, आपने इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत ही खराब तस्वीरें पेश की, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वायरस रिसर्च की दुनिया में यह अल्मेडा की उस तस्वीर में कुछ तो था।
जिसे खारिज नहीं किया जा सकता था। रिजेक्ट होने के बाद भी उस तस्वीर की चर्चा नहीं रुकी। 1965 में पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और उसके बाद जर्नल ऑफ जनरल वायरोलॉजी में अल्मीडा की वो तस्वीर छपी। इसी तस्वीर के बाद नए वायरस का नाम पड़ा कोरोना वायरस। जून अल्मेडा की वजह से वायरस रिसर्च की दुनिया में कोरोना एक नए नाम की तरह जुड़ गया। इसके बाद 35 साल के अल्मेडा अपनी आगे की पढ़ाई में जुड़ गए। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद वायरोलॉजी में डॉक्टरेट। 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में अल्मेडा रिटायर हो गए, लेकिन वायरस इमेजिंग की दुनिया में अब भी उनकी तलाश गाहे बगाहे हो जाया करती थी। जैसे 1980 के दशक में एड्स का वायरस जब पहली बार लैब में पकड़ा गया तो इसकी इमेजिंग के लिए जून अल्मेडा को बुलाया गया। उस दौर में कोरोना की तरह ही सबसे संक्रामक वायरस माना जाता था एड्स। इन्फ्लुएंजा से होने वाली तमाम बीमारियों के टीके बन चुके थे और कोरोना वायरस अभी सर्दी बुखार से आगे नहीं बढ़ा था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस वायरस को सूर्य के ग्रहण के दौरान देखे जाने वाले कोरोना की तरह चमकदार और खूबसूरत छवि वाला माना गया था, वो जीवित कोशिकाओं में घुसकर अपना जीनोम इस तरह बदल लेगा। खुद जून अल्मेडा भी रिटायरमेंट के बाद उस वायरस को भूलती चली गई। तब कोरोना वायरस का ठिकाना जानवरों की कोशिकाओं में हुआ करता था। इसमें चमगादड़ और उदबिलाव की कुछ प्रजातियां सबसे ज्यादा अनुकूल मानी गई थी, लेकिन 90 के दशक में कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें कोरोना वायरस इंसानों को चपेट में ले सकता था। कोरोना अपना रूप बदल सकता था। 229E अल्फा कोरोना वायरस, 2NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस। जानवरों से इंसानों में इन्फेक्शन के लिहाज से कोरोना के ये चार रूप सबसे खतरनाक माने गए। इसमें सारे लक्षण वही थे जो आम फ्लू में होते हैं, सर्दी जुकाम के साथ बुखार और गले के साथ फेफड़े में इन्फेक्शन। लेकिन साल 2002 में पहली बार पता चला कि ये वायरस न्यूमोनिया की तरह देखने वाले इन्फेक्शन से कहीं आगे की चीज है। नवंबर 2002, SARS-CoV चमगादड़ों से इंसानों में आया। कोरोना वायरस का यह पहला रूप था जिसने इंसानों के लिए नए खतरे की घंटी बजाई थी। ये वायरस भी दक्षिणी चीन से फैला, पहले चमगादड़ों के साथ इंसानों में आया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी रोकथाम और बचाव के तरीकों और पहले से प्रचलित फ्लू की आम दवाइयों से हो गया, लेकिन 8 साल बाद यह अपना रूप फिर बदलने वाला था। सितंबर 2012, MERS-CoV ऊंटों से इंसानों में फैला। इस वायरस का लोकेशन चीन से अलग अरब देशों में था, लेकिन देखते ही देखते 37 देशों में फैल गया। इसके मामले 2015 तक दक्षिण कोरिया तक आते रहे। इसकी रोकथाम तो हो गई, लेकिन ये वायरस आज तक जिंदा है। 2019 में भी इसके 200 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च दुनिया के तमाम लैब्स में होने लगी, क्योंकि इसकी आशंका खतरनाक होने की गहरी होती जा रही थी। कोरोना जैसे वायरस से आगाह करने वाले ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे माइकल लेविट, जिन्हें 2013 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। माइकल लेविट ने 7 साल पहले यह आशंका जाहिर की थी। चीन से फैलने वाला वायरस का विनाशकारी प्रकोप 2019-20 में देखने को मिल सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर 3000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। इसके बारे में सचेत रहने की जरूरत है। माइकल लेविट का अनुमान सही साबित हुआ। चीन में मौत के आंकड़े भी और इससे संक्रमण का काल भी। दिसंबर 2019, SARS-CoV-2 आज का कोरोना वायरस। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च चीन में पहले से ही चल रही थी। चीन के वुहान शहर की वायरोलॉजी लैब इस रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत अमेरिका जैसे देशों की भी फंडिंग मिलती रही थी। दुनिया जब तक इस वायरस को लेकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती तब तक इसका ऐसा रूप सामने आ गया जिसमें इन्फेक्शन की ताकत कोरोना फैमिली के अब तक के सभी वायरसों से ज्यादा थी। ह्यूमन बॉडी में घुसने के फौरन बाद नहीं फैलता, नाक और मुंह के जरिए एंट्री के बाद गले में रुक जाता है। गले में ये वायरस 6 से 7 दिन तक अपनी संख्या बढ़ाता है। गले की कोशिकाओं को जकड़ते हुए उन्हें सुन्न करता जाता है। कोशिकाएं सुन्न होने से सूंघने की शक्ति कम होती है। दिमाग तक इन्फेक्शन का कोई सिग्नल नहीं पहुंच पाता है। अब आप इस स्थिति की कल्पना कीजिए, कोरोना वायरस की एंट्री गले में हो चुकी है, लेकिन इसने पूरे सिस्टम को ऐसे जकड़ा है कि इन्फेक्शन के कोई संकेत खुद शरीर को नहीं मिल रहे, न सर्दी न बुखार और न ही कोई दूसरा लक्षण। इस स्थिति के साथ कोरोना आउटब्रेक में भी आप निश्चिंत रहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वायरस की असली खुराफात। कोरोना वायरस की इस खुराफात को आप ऐसे समझ सकते हैं,
गले में 6 से 7 दिन तक संख्या बढ़ाने के बाद के नीचे उतरता है। धीरे धीरे वायरस फेफड़ों में अपनी जगह बनाने लगता है। इस स्टेज पर आपको इन्फेक्शन का पता नहीं चलता, लेकिन आपकी खांसी और छींक से दूसरों में वायरस फैल सकता है। यानी इंसान में संक्रमण के लक्षण आने से पहले ये दूसरों में फैल चुका होता है। इन्फेक्शन का पता तब चलता है जब फेफड़े में वायरस की संख्या कई गुना हो जाती है। ये फितरत कोरोना फैमिली के किसी वायरस में नहीं थी। इससे पहले के सभी वायरस का बाहरी इन्फेक्शन इंसान के अंदर लक्षण साफ होने के बाद शुरू होता था, लेकिन कोविड 19 का इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में लक्षण शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब तक एक शख्स में इन्फेक्शन का पता चलता है, तब तक उसके जरिए कई लोगों में पहुंच चुका होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड 19 के तेजी से प्रसार की यही सबसे बड़ी वजह है, और यही वजह है उस लैब टेक्नीशियन को याद करने की जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस को देखा और कोरोना नाम दिया। जैसा कि जून अल्मेडा ने कहा था, ये वायरस सबसे अलग है। आज ये पूरी दुनिया के 200 देशों में सच साबित हो रहा है।